नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत लाइव राजनीतिक खबरों के लिए आप छोटी बड़ी से लेकर के हर वो खबर जो अलग अलग तरह से छूट जाती है उन सारी खबरों पर नज़र बनाए हुए रहता है और भीतर से निकाल कर आपके लिए खबरें लाता है। ऐसी ही खबर एक भीतर से आ रही है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से जिस तो जो बिहार के हालात हैं, जिस तरह के राजनीतिक उथल पुथल मचे हुए हैं, उसमें प्रशांत किशोर का नाम एक बार फिर से सामने आ रहा है। प्रशांत किशोर लगातार, भले ही वो एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में या फिर राजनीतिक गुरु के रूप में, जिस तरह से कहा जा रहा था, एक पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए काम करते हैं वो कहा जा रहा था कि अब नहीं करेंगे, लेकिन पॉलिटिक्स में ज़रूर रहेंगे, ये बातें उन्होंने कही थी। और इसके लिए जब वो आपको याद होगा कि जदयू के सदस्यता छोड़े थे, नीतीश कुमार से अलग हुए थे, तो उन्होंने बिहार में एक बैठक की थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि उन्हें वक्त चाहिए और 10 साल में बिहार की दशा को वो बदलेंगे। हम लगातार आपको कहते रहते हैं कि दशा 10 साल के बाद बदलता है। बिहार में एक बार फिर से दशा बदलने की स्थिति आ गई है और नीतीश कुमार जिस स्थिति में हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके याराना है, दोस्ती है, एक बार फिर कमज़ोर होती जा रही है, कमज़ोर पड़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर का अलग अलग एंगल पर बात करना, हालांकि उन्होंने और जिन लोगों से वो मिले हैं वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनके मुलाकात का कोई मायने नहीं है बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, उत्तराखंड के चुनाव से। उनका सीधा मतलब है आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं 2024 में, उसकी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि जिस तरह से प्रशांत किशोर अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उससे देख करके साफ लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाला चुनाव जो है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में उन्होंने करिश्मा करके दिखलाया है, एक बार फिर से बिहार के तरफ उनकी निगाहें हैं। राहुल गांधी से मुलाकात, उसके बाद उनकी मुलाकात होती है प्रियंका गांधी से, खबरें हैं कि सोनिया गांधी से भी उनकी वर्चुअली बातचीत हुई है, इससे पहले शरद पवार से उनकी बातचीत हुई थी, विपक्ष के कई नेताओं के साथ दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई थी। इन सारी बातों को लेकर के उस दरमियान नीतीश कुमार भी अपने यहाँ का इलाज कराने दिल्ली पहुँचे हुए थे। सारी बातों की कड़ियों को यदि जोड़ा जाए तो आपको याद होगा कि 2015 में जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव को लेकर के किस तरह की बातें हुई थी और कौन सा करिश्मा कर पाए थे प्रशांत किशोर। एक करिश्मा ही कहिएगा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद, दो धुर विरोधियों को ला करके उन्होंने एक पटरी पर खड़ा कर दिया था। चल पड़ी थी गाड़ी और पहली बार हुआ था कि एक पटरी पर गाड़ी सरपट दौड़ी और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक दिया गया था। अब स्थिति ये है कि प्रशांत किशोर जो हैं वो एक्शन में हैं और उन्होंने जो बातें की हैं कांग्रेस में, उसके लिए हमने खबरों के माध्यम से आपको बताया था। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि बिहार से उत्तर प्रदेश साधने की तैयारी चल रही है, हालांकि पंजाब को साधने का प्रशांत किशोर ने अपना काम शुरू कर दिया है। प्रशांत किशोर की टीम जो है आईपैक, वो पंजाब के लिए काम कर रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए। इसी दौरान जो पंजाब में कुछ बातें थी उसको लेकर के भी कहा जा रहा था कि वो मिलने गए हैं, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, उसके अनुसार बिहार पर फोकस था और बिहार से उत्तर प्रदेश साधने की कोशिश की जा रही थी। ऐसी स्थिति में क्या जो करिश्मा 2015 से पहले उन्होंने किया था वो करिश्मा एक बार फिर से कर पाएंगे? क्योंकि सबसे पहले जो पॉलिटिक्स में एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता और कहा जाए तो पॉलिटिकल जो मास्टर हैं, उसका काम जो है और राजनीतिक दलों को विचार देने, उनके लिए स्ट्रेटजी बनाने का काम सबसे पहले प्रशांत किशोर ने कांग्रेस से ही शुरू किया था। 2012 की बात है जब सबसे पहले राहुल गांधी के लिए वो काम शुरू किए थे, हालांकि ये संबंध लंबा नहीं चला था और 2013 के लास्ट होते होते 2013 में ही
वो चले गए थे, 2012 में ही वो चले गए थे गुजरात, और गुजरात में जाकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया था, नरेंद्र मोदी के लिए काम किया था, और वहाँ उन्हें सफलता मिली। उसके बाद 2014 में जो कुछ हुआ वो आपको सबने देखा। 2015 में फिर उनकी वापसी हो जाती है और नीतीश कुमार के साथ जुड़ जाते हैं, और क्या कुछ हुआ वो भी आप जान रहे हैं। अब एक बार फिर से 2021 में करिश्मा की बात की जा रही है, और ये करिश्मा क्या कर पाएंगे, सबकी निगाह इस पर है, हमारी भी निगाह है इस पर। जैसे ही कोई अपडेट आता है, कोई बड़ी खबर होती है, तो हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।